सागर जिले की नगर पालिका परिषद रहली हमेशा की तरह कांग्रेस की गढ़ रही है और इसको भेदने के लिए भाजपा और मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने पूरी ताकत लगाते हुए 15 पार्षदों में से 12 पार्षद अपने पाले में करते हुए भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। रैली में देवराज सोनी को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 12 से पार्षद चुनकर आए ठल्लू माते को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। दोनों ही जनप्रतिनिधियों को एसडीएम जितेंद्र पटेल की मौजूदगी में प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव के बारे में अपनी राय रखी, साथ ही विकास के संबंध में भी अपनी बात रखी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 12 वार्डों में अपनी विजय हासिल की। माननीय पंडित गोपाल भार्गव के विकास की गंगा बहाने का ये आज परिणाम है कि आज हमारे 12 पार्षद हैं और भाजपा परिवार की एक रीति नीति रही है और उस रीति नीति का निर्माण करते हुए हम सभी परिवार के सदस्यों ने आज सभी सदस्यों ने मुझे अपने मुखिया के रूप में या अध्यक्ष के रूप में यूँ कहूँ कि चुना है, तो ये सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद है, स्नेह है, सभी हमारे साथियों का सबका स्नेह है। आज नगर पालिका परिषद रैली के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं अपील समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी संपन्न हुई है। अध्यक्ष पद एक निर्धारित समयावधि में केवल एक ही नामिनेशन पत्र श्री देवराज सोनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो निर्विरोध निर्वाचन घोषित किए गए हैं। और उपाध्यक्ष पद हेतु भी एक ही नामिनेशन पत्र प्राप्त हुआ था श्री ठल्लू अहिरवार जी द्वारा, वो भी सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं, निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इसके पश्चात अपील समिति के निर्वाचन में केवल 2 सदस्यों का निर्वाचन होना था और 2 ही हमें नामिनेशन पत्र प्राप्त किए थे, स्वाति प्रेस पटेरिया और दीपक पटेल, तो दोनों लोगों को सम्यक रूप से निर्विरोध निर्वाचित किया गया।